हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स जिसको हम रिपोर्टर पॉलीनोमियल तो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलीनोमियल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज आज हम करेंगे 1.3। चैप्टर कौन सा हमारा, पॉलीनोमियल्स टू, जिसका नाम हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, सबको पता है पॉलिनोमियल्स को इंजीनियर क्या बोलते हैं, बहुपद कुछ। तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, हमें क्या करना है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स हैज नेगेटिव एक्स प्लस वन अ फैक्टर। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 1 क्या है हमारा, एक्स की क्यूब प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वन। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हमें बोल रहा है कि एक्स प्लस वन जो हमने दिया हुआ है वो इस फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, हमें इसमें यह बताना है कि एक्स प्लस वन का फैक्टर है या नहीं है। तो उसको कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक्स प्लस वन है उसको 0 के इक्वल रखेंगे। किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। फिर हम इसमें से एक्स की वैल्यू माइनस की वन आ गई। अब इस माइनस वन को हम इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करने के बाद करेंगे आंसर आएगा तो वो हमारे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। तभी हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस वन जो है इसका फैक्टर है, अदरवाइज। ठीक है, तो हम उत्तर को देखते हैं कि आंसर क्या आएगा हमारा, माइनस वन की क्यूब प्लस में माइनस वन का स्क्वायर प्लस में प्लस का वन। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैंसिल करेंगे, माइनस का वन हो जाएगा, इसकी क्यूब है। ठीक है, प्लस का वन है, प्लस 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 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस का वन, और ये प्लस का वन। हमारा एक माइनस का है, एक प्लस का है, कट जाएगा। एक माइनस का एक प्लस का है, कट जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारा, 0। 0 हमारा आंसर आ गया, हमें चाहिए था। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। ठीक है, जो एक्स प्लस वन है वो हमारा इसका फैक्टर हो गया, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऐसे हम सेकंड पार्ट को करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2 प्लस में एक्स प्लस में 1, ये दिया हुआ है। और इधर भी एक्स के लिए क्या पुट करना है, ना माइनस, तो करो माइनस का 1 पावर 4 प्लस में माइनस का 1 की क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस का 1 प्लस का 1, ये करेंगे। अब इसको सॉल्व करो, पावर 4 है, अगर पावर इवन होगी तो हमारा प्लस का 1 आएगा, पावर ओड होगी तो क्या आएगा। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा 1, प्लस माइनस माइनस का प्लस का 1। ठीक है, अब देखो ये माइनस का हो जाएगा डायरेक्ट माइनस 1। ठीक है, इसलिए हमें अब देखो प्लस के कौन से माइनस दो कौन से, हम टीचर से क्या देखेंगे, प्लस का है माइनस का, कट गया, और कौन से इसमें प्लस का है माइनस, हमारे पास एक बचा है हमारे पास, तो इसका आंसर एक हुआ। ठीक है, इसका आंसर 0 नहीं है, तो 0 आना चाहिए था, तब भी हम कहते हैं कि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। ठीक है, पॉलीनोमियल लिख लेना उसको। ठीक है, समझ में आया, तो ठीक है, ऐसे करना होता है, फैक्टर कैसे निकालना
पार्ट नंबर थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है। एक्स की पावर 4 थ्री एक्स की क्यूब प्लस में 3 प्लस में एक्स प्लस में 1 क्लियर दिया हुआ है। तो इसकी जगह भी हमें -1 फिट करना है, तो करेंगे -1 की पावर 4 3 -1 की क्यूब प्लस में 3 -1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पीछे लिख रहे हैं माइनस का 1 और प्लस का 1, ये हम मिलकर लिख रहे हैं। ठीक है, पावर कैसी है? a1 वो क्या आएगा? प्लस का 1 प्लस का आएगा या माइनस का? माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस होगा। ठीक है, तो करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 3 प्लस ये इसको करेंगे प्लस माइनस माइनस का प्लस का 1, ये दोनों इधर ही कट गए, ये दोनों तो हम क्या कहेंगे x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगा, समझ में आया? पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या करना है? एक्स की क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 प्लस का अंडर रूट 2 एक्स प्लस में अंडर रूट 2, इसमें भी हम माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस का 1 का क्यूब माइनस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस इसको सॉल्व कर लो यहीं पर। ठीक है, सॉल्व कर लो यहीं पर, ये इसको माइनस का लेना तो माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का अंडर रूट 2। ठीक है, अंदर ऐड नहीं करते एस, अंदर माइनस सॉल्व कर दिया ना। ठीक है, एस की वैल्यू क्या और प्लस का अंडर रूट 2, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? माइनस का 1, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2 माइनस का 1। ठीक है, ये हमने दिया हुआ था माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये भी प्लस का अंडर रूट। ये बच्चा अब हमारे पास देखना है कौन सा करता है कौन सा नहीं करता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पर इंसान माइनस का आएगा तो हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है? उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दो दो है ना हमारे पास, तो दो लिख दिया। ठीक है, ये दोनों कट गए, हमारे पास क्या अंडर रूट 2, तो ये क्या कहेंगे हम? x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जीरो नहीं आ रहा, अगर जीरो आता तो वो x प्लस 1 इसका फैक्टर होता। इजी था, बस वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हमें? यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर of px in each of the following cases. Part number 1 क्या है हमारा? px is equal to 2x की क्यूब तो इसमें x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1, यहाँ पे जी एक्स क्या दे रखा है हमें? एक्स प्लस ये 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या बताया? जो जी एक्स है वो इसका फैक्टर, पी एक्स का फैक्टर है या नहीं, कैसे पता लगाएंगे? कोई बताएगा? बताओ। एक्स प्लस यहाँ पे एक्स प्लस करने को हाँ इसको जीरो के अंदर रखेंगे तो वो माइनस एक्स है, गलत है क्या? ये भी जगह पर एक्स है, माइनस कर दो। ठीक है, हमें क्या जी एक्स का फैक्टर है या नहीं कैसे पता करते हैं? देखो कि जो हमारे जी एक्स हमें दिया गया है उसको जीरो के ऊपर रखेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई, अब इसको इसमें पुट करना है पी एक्स, तो करो पी एक्स में टू टू आ गया, माइनस का वन का क्यूब प्लस में माइनस वन का या इसको सॉल्व करने क्या आएगा? माइनस का टू ये आएगा, इसको सॉल्व करने क्या आएगा? प्लस का वन, इसको सॉल्व करेंगे
ये कट गया, ये कट गया, इनपुट है, ये प्लस का एक माइनस का एक प्लस का एक माइनस, तो हमारा आंसर क्या है ना, सी है। तो हम क्या कह सकते हैं, सी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये तो पूछ ले कि जी एक्स जो हमें दे रखा है तो क्या तो फैक्टर है, फैक्टर कैसे चेक करते हैं, जब आंसर में से जीरो आ जाता है ना, जीरो आ जाता है तो वो उसका फैक्टर होता है या नहीं। हाँ सेकंड पार्ट क्या क्या एक्स की क्यूब प्लस का थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस में वन, जहाँ पे हमें जी एक्स है वो क्या दे रखा है, एक्स प्लस में टू। ठीक है, हमें जी एक्स पहले क्या करना है, एक्स प्लस टू को हमें जीरो के बराबर रखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या देगी माइनस का, मतलब एक्स के लिए हमें क्या पुट करना है, माइनस का टू। ठीक है, तो हम एक लाइन लिखेंगे इधर, तो का वैल्यू ऑफ एक्स ये वाला है इसको तो माइनस टू इन पी एक्स इसका करेंगे ना। ठीक है, तो पी एक्स माइनस का टू आ जाएगा, इधर क्या आएगा माइनस का टू का क्यूब प्लस में थ्री डिग्री में माइनस माइनस का टू प्लस का टू ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मैं सॉल्व कर माइनस का एट फोर आ जाएगा ना, उसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस का बारह माइनस का क्या होगा, इसको इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का सी प्लस का वन, अब प्लस प्लस वाले एक तरफ कर दो, माइनस वाले एक तरफ कर दो, ये प्लस का हो जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो माइनस कट जाएगी। हाँ जी एक्स इज नॉट ऑफ पी एक्स, समझ में आए, ध्यान से प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। ठीक है, पार्ट नंबर थर्ड आप तो मुझे होमवर्क में करके दिखाना, मुश्किल तो नहीं है ना, कर लोगे? यस मैम। ठीक है, तो हम इसको आप क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिख रही हूँ मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, इसमें क्या बोला है कि हमें क्या फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, k की वैल्यू, जहाँ पे हमें एक फैक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है x माइनस वन, वो दे रखा है, वो कह रहा है कि नीचे जो भी केसेस दिए हुए हैं वो उसका फैक्टर है, अगर वो उसका फैक्टर है तो वो जो पॉलीनोमियल हमें दे रखे हैं वो जीरो के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा क्योंकि एक्स माइनस वन जो है हमारा क्या है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं एक्स माइनस वन फैक्टर है, तो जीरो के बराबर रखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या देगी हमारी, प्लस का वन। फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में, हमें इसमें क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है, एक्स हमें सबसे क्या हमारा वन, तो पी की जगह वन लिखेंगे, वन वन होता है तब से हमें माइनस। ठीक है, बस हमें यही निकाल दो इसमें के की वैल्यू, समझ में आया पार्ट नंबर सेकंड, पी एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस में के प्लस में अंडर रूट, यहाँ पे क्या करना है, मुझे पीछे देखना है कि एक्स की वैल्यू क्या होती है, हमें वन क्या करनी थी, ठीक है, तो
बनाएगा टू प्लस में के प्लस में अंडर रूट टू इक्वल टू सी। तो जीरो के बाद फिर देखिए के को हम इधर ही छोड़ देंगे और ये जो है इधर माइनस का चला जाएगा, ये भी इधर माइनस का चला जाएगा। के की वैल्यू क्या है? क्या ठीक है, समझ में आ गया? पार्ट नंबर घर में क्या कह रहा है? पी एक्स इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस का वन। ठीक है, इसको सॉल्व करो। वन रखेंगे एक्स की जगह, के वन का स्क्वायर माइनस का अंडर रूट टू प्लस का वन इक्वल टू जीरो का बराबर रख देंगे। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? के ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट टू आएगा, प्लस का वन आएगा। के की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट टू प्लस में माइनस का वन, ये आ जाएगी। ठीक है, समझ आया? ये समझ में आया वैल्यू कैसे आ गई? इधर माइनस का है ना, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट पार्ट हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या है? मतलब पी एक्स इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस का के। ये तो एक्स के लिए क्या करना है? वन के वन का स्क्वायर माइनस थ्री वन प्लस के दो। हाँ, इसको सॉल्व करो। जीरो के फर्क दो तो के माइनस थ्री हमारे पास दो के, तो टू के होगा, टू के हो जाएगा माइनस का थ्री इज टू जीरो। के की वैल्यू निकालेंगे तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्या होगा हमारा इधर मंडी के लाइफ उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको डिवाइड करना है करो, नहीं तो ऐसे भी आप छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसको आउट, समझ में आ गया पूरा? तो क्वेश्चन नंबर फोर करें। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या करना है? फैक्टराइज। क्या करना है? फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज कैसे करते हैं? पार्ट नंबर वन क्या कह रहे हैं वो? 12x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, इसकी हाईएस्ट डिग्री तो है वो क्या? हाईएस्ट पावर ये बताइएगा मुझे। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? डिग्री टू है। टू है, टू है ना हाईएस्ट डिग्री? टू है। तो इसके फैक्टर निकलेंगे कितने निकलेंगे? टू निकलेंगे। हमारी जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है कितने फैक्टर निकलेंगे? जितनी हमारी हाईएस्ट डिग्री या पावर जो भी बोले वो किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ फैक्टर के। इसके जितनी हमारी हाईएस्ट डिग्री उतने हमारे नंबर ऑफ फैक्टर निकलेंगे। जैसे इसकी हाईएस्ट डिग्री का है टू है, तो इसके भी हमारे टू ही फैक्टर निकलेंगे। कितने निकलेंगे? टू फैक्टर। मीटर फ्रॉम स्पीड को यूज करेंगे, करो ये हो जाएगा 12 एक्स का स्क्वायर, 12 के फैक्टर करेंगे हमें क्या लाना है? माइनस का 7x। क्या लेके आना है? माइनस का 7x। तो 4 प्लस में 3 ये आएगा, बताओ माइनस का 4 प्लस नहीं तो माइनस माइनस 4 माइनस दोनों माइनस हमारा क्या आएगा? माइनस का 7। ठीक है, दोनों माइनस के होंगे तो माइनस का 7 आएगा। तो अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। हमें ये लेना है माइनस का फोर माइनस का वन। अब इन दोनों ने तो कॉमन ले लिया, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एड सर और फोर और फोर। ठीक है, ये दोनों कॉमन आ रहा है, फोर की रीजन एक्स बचा, इधर क्या बचेगा हमारा? वन। इधर क्या लेंगे? माइनस का वन। तो ये क्या हो जाएगा? थ्री एक्स माइनस का वन। ठीक है, माइनस थ्री है ना कॉमन, तो इधर माइनस हो जाएगा। जब हम माइनस लेते हैं तो अंदर का साइन जो है चेंज हो जाता है। तो 3x माइनस 1 एक फैक्टर, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये 4x माइनस 1 ये हो गया फैक्टर। हमारे पास दो फैक्टर आ गए, कंप्लीट। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब पार्ट नंबर सेकंड इसका, पार्ट नंबर सेकंड क्या है हमारा, 2x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3, ये है इसको भी मिटा तो आपसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6x का स्क्वायर, 6 के फैक्टर करेंगे, इधर 6 3 अंदर ये दोनों 7 चाहिए है ना, क्या चाहेगा 7, नहीं प्लस प्लस थ्री क्वेश्चन बिल्कुल ज्यादा सही लिखा है, आप बताओ क्या चाहेंगे इसमें पैक कर सकते प्लस हो, फोर का इसके फैक्टर तो 2 और 2 और 3 आ रहे हैं, बोल के 7 है, कैसे होगा 6, देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 6 आ जाएगा, ये 1 हो रही है, 6 मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और उसको फिर देंगे 7, ओके हम 10 का 7 आ गया है, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 7, तो हमारा 2x प्लस का 1 बचेगा, तो 2x प्लस का उसको 1, एक फैक्टर हमारा 2x प्लस 1 हो गया, और दूसरा फैक्टर +3, तो दोनों फैक्टर आ गए हमारे, आ गए ना, समझ में आया क्या वाला, थोड़ा कंफ्यूज मैम एक बार रिपीट कर देना मैम, हाँ एक बार प्लीज रिपीट कर देना इसको, देखो 7x चाहिए हमें, क्या चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा 6x का स्क्वायर होगा, हमको चाहिए होता है इधर ऐसी वैल्यू जो इन दोनों को जो हमने मल्टीप्लाई करा था ना 6x² प्लस माइनस करने पर हमें 7 होना चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू अगर इधर 1 है इधर 6 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 7 6 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें चाहिए था 6 ही था ना, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 7 7x आता, तो ये आपको एक दो बार प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है प्रैक्टिस करोगे भी ज्यादा उतना सही है, मिडिल ग्राउंड ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान होगा, पार्ट नंबर थर्ड क्या है, 6x² प्लस का 5x माइनस का 6, ये करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ध्यान से देखो आप सर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना इन दोनों को, 36x² क्या आ गया हमारा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या चाहिए 5x, एक बन जाएगा 9 फैक्टर, हम इसको क्या करें कैसे प्लस माइनस करें कि हमारा 5x आ गया, बताओ हमारा 4 हटा दो, फिर प्लस का 5 चाहिए, प्लस का 5 आ गया, तो क्या यूज करना है, ये यूज करना है 6x² माइनस का 9x, ठीक है नहीं, प्लस का 9x माइनस का 4x, ठीक है, और क्या करेंगे 10 माइनस का 6, कॉमन देंगे कॉमन कौन क्या 3 और 3 और क्या पता चल जाएगा इसका भी एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 4, तो 4 का 4 का क्या हमारा 3x² माइनस 8x माइनस का 4, ठीक है क्या ही करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12x² 12 के फैक्टर करेंगे तो 6 पर जाएगा, फिर 3 पर जाएगा, फिर 2 पर जाएगा, 3 पर जाएगा, ठीक है 11
अभी क्योंकि तो माइनस का बन चाहिए हमारे पास क्या रहे कि हमारे पास माइनस का फोर माइनस को माइनस फोर माइनस की बड़ी संख्या का पता नंबर इसलिए हमने माइनस का फोर दिन तो थ्री एक्स का स्क्वायर क्या लगाएंगे ना माइनस का फोर दिन तो हमने तो कॉमन लेंगे कि हमें और तो ये क्या करना है फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे इसको x की क्यूब माइनस का टू एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का ठीक है अब देख उसमें तो हमारी तीन संख्या थी मतलब तीन संख्या थी इसको हमने बिगर टर्म से कर दी अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है जैसा कि मैंने बताया था जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर होते हैं तो इसकी थ्री है तो थ्री फैक्टर होंगे अब हम सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि लैड करेंगे क्या लैड करेंगे कि x प्लस वन इसका फैक्टर x माइनस वन उसका फैक्टर ठीक है इन दोनों में से कोई एक हमको लैड करना होगा तो चलो करते हैं लैड x माइनस वन हम x माइनस वन लैड कर रहे हैं ठीक है इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल ठीक है हमने अब हमने तो हमने यहाँ पर लैड किया था इसको अब क्या करना है इसको हमें कंफर्म करना है कि ये है या नहीं है तो इसको क्या लेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या लेगी वन अब इस एक्स की वैल्यू को हमें इसमें पुट करना है इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर माइनस का वन ब्रैकेट में प्लस को प्लस में टू ये होगा इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा वन माइनस का टू माइनस का वन टू काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया जीरो जब जीरो आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ठीक है तो x माइनस वन इसका फैक्टर है ठीक है अब इसको हमें हमारे पास अभी इसका एक ही फैक्टर आया है क्या दो और निकालते अब दो और कैसे निकालते हैं देखो थ्री एक्स माइनस टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का टू हमें इसको जो हमने मानू था लैड किया था उसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है डिवाइड करेंगे कैसे हमें क्या चाहिए एक्स की पावर थ्री चाहिए हम इसको एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारी एक्स की पावर क्या आ जाए थ्री आ जाए किससे मल्टीप्लाई करें एक्स को एक्स का स्क्वायर अगर हम एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा एक्स का क्यूब आ जाएगा आ जाएगा ना अब हमने इसको इसको भी करना पड़ेगा तो प्लस माइनस माइनस का और एक्स का स्क्वायर आ जाएगा ठीक है अब हमें क्या करना है माइनस करना है इधर माइनस डिवाइड करते हैं ना तो जो माइनस होता है जो नीचे वाली होती है ना संख्या उसकी उसके साइन को क्या कर देता है चेंज कर देता है ये प्लस का है तो ये इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस तो एक प्लस का एक माइनस का ये तो कट गया अब हमारे पास ये माइनस का है ये प्लस का है इसको प्लस माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस ठीक है बाकी हम एडिटिंग उतारेंगे ये हो गया ठीक है अब हमें क्या चाहिए माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए अब हम एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाए इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एक्स चाहिए मैंने बोला था ना माइनस का चाहिए तो माइनस का एक्स अब इसको इससे भी करेंगे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और क्या आएगा एक्स ये हो गया इधर माइनस का निशान है इसके निशान चेंज हो गए माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा ये दोनों कट जाएंगे ठीक है माइनस माइनस प्लस माइनस का और ये क्या हो गया
माइनस का 2x लिखो, ठीक है। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेगी, माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस का 2 से इससे करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस का 2x आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा इधर प्लस का, ये दोनों कट जाएंगे, ये भी हो जाएगा माइनस का, इसको कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, 2x माइनस x माइनस 3। अब इसमें हम मिडल टर्म लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना, तो इसमें मिडल टर्म का यूज करके आप इसको आगे दो फैक्टर और इसको होम वर्क में निकाल दो, ठीक है। मिडल टर्म तो कर दोगे ना इसमें, ये करके ला सकते।